पूरे विश्व में देवताओं की पूजा मूर्ति में हम करते हैं, देवगणों की पूजा अपन मूर्ति में करते हैं, परंतु ये प्रश्न हमारे जीवन में नित्य अधूरा रहा। लिंगे च वैरे च, मूर्ति स्वरूप में और लिंग स्वरूप में दो परंपरा में हम शिव की पूजा क्यों करते हैं, उसका तात्पर्य क्या है, उसकी महिमा कहने के लिए कुछ प्रयास करो आप। और हम सभी जानते हैं ज्यादातर भगवान शिव की पूजा हम शिवलिंग स्वरूप में करते हैं। प्रयाग तीर्थ में सभी महात्माओं ने भी सूत पुराणे को यही प्रश्न किया था कि हमारे मन का संशय दूर करें आप। सभी देवताओं की पूजा एक प्रतिमा और मूर्ति में हम करते हैं, लेकिन शिव की पूजा मूर्ति में भी हम कर सकते हैं और शिवलिंग में भी हम कर सकते हैं। इसी समय सूत पुराणे ने कहा, आपने जो मुझे प्रश्न किया है संपूर्ण तो मैं आपके समक्ष उसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि अत्र वक्ता महादेवो, उसका वर्णन तो स्वयं शिव कर सकते हैं, नान्योस्ति, कोई महापुरुष भी आपके प्रश्न का प्रत्युत्तर नहीं दे सकता। लेकिन आपने जो मुझे जिज्ञासा व्यक्त की है वो पुण्य देने वाली जिज्ञासा है, लेकिन आपका प्रश्न महा अद्भुत प्रश्न है, अहोभाव प्रकट करने वाला प्रश्न है। मेरे सदगुरु भगवान व्यास जी ने जो मुझे कहा और मुझे जो याद रहा वो मेरी बुद्धि अनुसार मैं आपको कहने का प्रयास करूंगा, लेकिन अहोभाव प्रकट कर दिया आपने। सुत पुराणे बोल रहे हैं, अहो मुनीश्वर पुण्यम, आपने जो मुझे पूछा है ये पुण्य देने वाला है। बहुत लोग कहते हैं कि कथा सुनने से फल मिलता है, हमने कभी फल को देखा नहीं है। जरूर महात्मा है कि कथा सुनने से फल मिलता है, यज्ञ करने से फल मिलता है, पूजा करने से फल मिलता है, लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कथा सुनने से फल मिले न मिले ये तो मेरे शास्त्रों की बात रही, लेकिन जो नियमित सत्संग करता है, नियमित कथा सुनता है, उनको फल मिले न फल मिले, लेकिन उसका जीवन कभी निष्फल नहीं होगा, उनका जीवन सार्थक होगा। ये आध्यात्मिक मोटिवेशन है, परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम है, ये प्रेम को जागृत करने का एक प्रयास है। हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित हुआ है, इस बीज को इतना सुंदर घटाघट वृक्ष बना दीजिए। इसलिए कथा कोई सामान्य वस्तु नहीं, कथा हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है। और आपको कभी कोई पूछे कि ये कथा प्रारंभ किसने किया, तो आप बहुत हृदय से कह सकते हैं कि कथा परंपरा शिव की प्रारंभ किया, महादेव ने किया है, जो कि पहला वक्ता, श्रेष्ठ वक्ता, लगे कहन हरि कथा रसाला, पहला वक्ता तो भगवान शिव है, ये शिव की परंपरा है और किसी की परंपरा नहीं। निरंतर शिव उमा निवास, निरंतर भगवान शंकर जी भवानी को कथा कहते रहते हैं। और हम सभी जानते हैं कोरोना काल में सारी दुनिया बंद हो गई थी, लेकिन आप सभी जानते हैं सारी दुनिया बंद हो गई थी, लेकिन हमने कथा बंद नहीं की थी, हम सिर्फ संगीत का अभाव और हम कथा गाते रहे और टेलीविजन के माध्यम से पूरे भारत देश में और 170 देश के अंदर अब कथा पहुंचाते रहे। हॉल के अंदर से कोई बाहर नहीं जाता, कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता, मेरे सामने कोई श्रोता नहीं थे, सिर्फ कैमरे लगे रहते थे और हम कथा गाते रहे। उस पर से पता लगता है कि शिव ने जो प्रारंभ किया है वो कभी बंद नहीं होता, जो शिव की परंपरा हो निरंतर परंपरा है ये कभी बंद नहीं रहती। कोरोना काल में सारी दुनिया बंद हो गई थी, लेकिन ये कथा निरंतर हमने शुरू रखी थी, घर घर तक कथा संदेश हम पहुंचाते रहे। इसलिए कहा अत्र वक्ता महादेव, आपके प्रश्न का वक्ता तो भगवान स्वयं शिव है, महादेव है, लेकिन आपने मुझे जो पूछा कि भगवान शिव की पूजा दो परंपरा से होती, दो नहीं तीन है, एक तो निराकार परंपरा शिवलिंग है, अवतार परंपरा शंकर भगवान की प्रतिमा है, मूर्ति है, और हमारी मूल परंपरा है ओमकार का नाद, वो श्रेष्ठ शिव पूजा मानी जाती है। शिव महापर ग्रंथ में भी उसका बहुत विस्तार किया है। और कभी आपको शंकर भगवान का कहीं शिवलिंग न मिले और कहीं आपको शिव जी के कहीं प्रतिमा न मिले,
कोई भी मनुष्य प्रणाम करके ओमकार का नाद करते हो शिव की श्रेष्ठ उपासना है। उससे बड़ी उपासना क्या हो सकती है जो मूल हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है। ये तो ओमकार का नाद करना ने छोड़ दिया, बाद में हमारी पूजा परंपरा प्रारंभ हो गई। मन को एक स्थान पर स्थित करने के लिए हमने मूर्ति का निर्माण किया और आधार के साथ प्रमाण के साथ मैं कह सकता हूं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। हमारे भारत देश के अंदर सनातन के अंदर कोई प्रतिमा नहीं थी, कोई शिवलिंग की पूजा भी नहीं थी, सिर्फ ऋषि मुनि ओमकार का नाद करते थे और ओमकार का नाद करके पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, पूरे ग्रहों की गतिविधि जान लेते थे। इसलिए हमारी मूल परंपरा है अकार उकार मकार ओमकार, नाभि में से निकलता है अकार, कंठ से निकलता है उकार, ओठ से निकलता है मकार, ओम का स्वर, ये हमारा मूल है। योगी महापुरुष क्या करते हैं, महादेव को जल चढ़ाते हैं, कभी नहीं। योगी महापुरुष क्या करते हैं, बिलो पत्र को तोड़ते हैं, कभी नहीं। योगी महापुरुष कहीं पुष्प को तोड़ने के लिए जाते हैं, योगी महापुरुष कहीं चंदन चढ़ाते हैं, कभी नहीं। योगी महापुरुष सिर्फ ओमकार का नाद करके शिव तक पहुंच जाते हैं।